गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। तो आज हम इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन, उसकी टर्मोलॉजी क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होते हैं और वैक्सीन की टर्मोलॉजी। फिर हम इम्यूनाइजेशन इम्यूनिटी पावर पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के अंदर जो उसके टाइप्स है वो पढ़ेंगे। फिर हम इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो पहले मैं लेता हूँ इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। या वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। तो पहले लेते हैं हम वैक्सीनेशन क्या होती है। वैक्सीनेशन या हिंदी में बोले तो टीकाकरण। टीकाकरण क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन इज वैक्सीन, यानी वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन कहलाता है। तो ये होगी वैक्सीनेशन। नेक्स्ट लेंगे वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन की टर्मोलॉजी क्या होती है। तो डेफिनेशन, वैक्सीन, वैक्सीन जैसे बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, बायो एजेंट्स जैसे कि लाई और किल्ड जो है उनके द्वारा बनाई जाती है जो वैक्सीन होती है, जिसको यूज किस में किया जाता है, इम्यूनाइजेशन में। तो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, वैक्सीनेशन आर बायोलॉजिकल, वैक्सीनेशन आर बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एजेंट कौन से, लाइव या किल, टू यूज इन इम्यूनाइजेशन। यानी वैक्सीन क्या हो गई कि जो बायोलॉजिकल एजेंट है उनका, उनको लाइव और किल जो बैक्टीरिया जो एजेंट है उनको हमने यूज कहाँ किया है, इम्यूनाइजेशन में। तो ये वैक्सीन और वैक्सीनेशन हो गया। अब है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हम इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो एंटीजन को किसी जैसे कि बायोलॉजी एंटीजन को इंजेक्ट करा जाता है बॉडी में। क्यों करा जाता है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेटिंग करने के लिए, जिससे इम्यूनिटी पावर क्या होती है, बढ़ती है, तो उसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो इम्यूनाइजेशन डेफिनेशन क्या होगी, इज ए प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाना, इंड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय स्टिमुलेटिंग इम्यून सिस्टम बाय एंटीजन। यानी किसी एंटीजन को जब बॉडी में प्रवेश करा जाता है तो वह इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, इसको फिर से क्या होता है, इम्यूनिटी जो है वो इंड्यूसिंग होती है, बढ़ती है, तो इसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। अब है इसकी इम्यूनाइजेशन में कि ये क्या होता है, जिसकी बताया मैंने आपको, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वॉयज इन कम्युनिटी हेल्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ इंटरवेंस। यानी जो इम्यूनाइजेशन है वह एक कम्युनिटी में हेल्थ के लिए एक हेल्थ इंटरवेंशन काफ़ी महत्वपूर्ण है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मतलब मोस्ट इफेक्टिव है, प्रभावशील भी है। इम्यूनाइजेशन एजेंट्स वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज इन एसेंशियल टू रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टिलिटी मोरबिडिटी एंड हैंडीकैप कंडीशन। जो इम्यूनाइजेशन एजेंट होते हैं यानी वैक्सीन है, वे क्या करते हैं कि जो चाइल्ड में मोर्टिलिटी एंड मोरबिडिटी एंड हैंडीकैप की डिजीज जो कंडीशन होती है उनको कम करते हैं। इट गिव्स ए रेसिस्टेंस एंड इन्फेक्शंस डिजीज बाय प्रोड्यूसिंग और एग्यूमेंटिंग द इम्यूनिटी। जो रेजिस्टेंस हमने दिए हैं
जो इन्फेक्शंस को या जो इन्फेक्शन डिजीज है उसको रोकने के लिए जो क्या करती है, जो इम्यूनिट पावर को एक्यूमुलेट करती है, बढ़ाती है। नेक्स्ट है आपका इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? किसी रोग के प्रतिरोधक क्षमता, वही इम्यूनिटी है। यानी किसी रोग को रोकने का जो होता है वही प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी of the body to resist pathogenic agent। यानी इम्यूनिटी क्या है? इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट, यानी जो हमारी बॉडी की जो रेसिस्ट पावर है, प्रतिरोधक क्षमता, उसके रोकने कौन से, किसको रोकना है? प्रतिरोधक एजेंट्स, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब इम्यूनिटी के टाइप्स कितने होते हैं, ये कितने प्रकार की होती है? टाइप्स इम्यूनिटी इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। पहला होता है इनेटिव, दूसरा होता है एक्वायर्ड। तो इनेट यानी जन्मजात, एक्वायर्ड यानी बाहरी संसाधनों के द्वारा हमने जो इम्यूनिटी ली है उसको हम एक्वायर्ड में लेते हैं। तो इनेट यानी जन्मजात, एक्वायर्ड। दूसरा, इसके भी दो टाइप्स होते हैं एक्वायर्ड के भी, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव भी फिर दो टाइप्स की होती हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पैसिव भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जैसे बताया मैंने आपको इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के टाइप्स में पहला है इनेट यानी एक्वायर्ड, दूसरा है पहला इनेट, इनेट का मतलब जन्मजात, जन्म के दौरान हमें जो इम्यूनिटी पावर मिलती है उसको हम इनेट के अंदर लेते हैं। दूसरा एक्वायर्ड यानी बाहरी संसाधनों के द्वारा जो हमें इम्यूनिटी मिली है उसको हम एक्वायर्ड में लेते हैं। एक्वायर्ड भी दो टाइप्स की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में जो एक्टिव इम्यूनिटी है यानी इसमें एंटीजन एंटर करते हैं, कौन एंटर करता है? एंटीजन, और इसमें एंटीबॉडी एंट्री करते हैं, एंटीबॉडी। जब एंटीजन इंजेक्ट होते हैं बॉडी के अंदर, तब नेचुरल में तो ये होता है कि नेचुरल द्वारा, आर्टिफिशियल में जैसे कि आर्टिफिशियल वैक्सीन के द्वारा, जैसे बीसीजी है, डीबीटी है, उनके द्वारा हमने जो इम्यूनिटी ली है। नेचुरल में जो बॉडी हमें नेचुरल इम्यूनिटी पावर होती है उसको हम नेचुरल लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और जो आर्टिफिशियल होती है यानी बीसीजी डीबीटी वैक्सीन के द्वारा जो इम्यूनिटी हमें मिली है उसको कहते हैं एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो अब लेते हैं सेकंड पैसिव। पैसिव में क्या होता है, ये जो इम्यूनिटी, ये भी टू टाइप्स की होती है, नेचुरल, और इसमें क्या एंटीबॉडी इंजेक्ट होते हैं। जैसे एंटीबॉडी इंजेक्ट होते हैं तो नेचुरल में ये होता है कि जैसे नेचुरल में ये हो गया एंटीबॉडी में कि जब माँ के दूध से यानी कोलेस्ट्रम, जब बचपन में इन्फेंट जब बेबी दूध पीता है तो जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें आईजीए यानी इम्यूग्लोबिन जो उसको कोलेस्ट्रम दूध से प्राप्त होता है, उसी तरह नेचुरल में जो क्रॉस प्लेसेंटा के द्वारा जैसे आईजीजी जो इम्यूग्लोबिन होता है वो क्रॉस प्लेसेंटा के द्वारा
मिलता है, तो ये नेचुरल इम्यूनिटी होगी पैसिव में। दूसरा है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जैसे एंटीसेरा या एंटीटॉक्सिक जो वैक्सीन के द्वारा जो इम्यूनिटी पावर लेते हैं उसको हम आर्टिफिशियल में लेते हैं। तो ये हो गए इम्यूनिटी टाइप्स, पहला है इननेट, दूसरा एक्वायर्ड, उसमें दो टाइप्स हैं एक्टिव एंड पैसिव। इसमें फिर ये दो प्रकार के हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसमें भी ये दो प्रकार के हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इसमें कौन सा इंजेक्ट करता है एंटीजन और इसमें इंजेक्ट करता है एंटीबॉडी। कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट पैथोजेनिक एजेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जो बॉडी की जो क्षमता है उसके अनुसार जो रेसिस्ट करने हैं पैथोजेनिक एजेंट को कैसे करने हैं, तो उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी इज द सिक्योरिटी एजेंट्स ए पार्टिकुलर डिजीज एंड नॉन सस्टेबिलिटी टू इनवेसिव एंड पैथोजेनिक इफेक्ट ऑफ फॉरजन माइक्रोजन और द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एंटीजन सब्सटेंस। जो इम्यूनिटी है जो एक डिजीज को यानी फॉरेन सब्सटेंस है जो माइक्रोजन को प्रभाव के लिए जो इम्यूनिटी है वो किसी एक सिक्योरिटी एजेंट्स की तरह हमारी बॉडी में नॉन स्पेसिबिलिटी पार्टिकुलर डिजीज जो पैथोनिक इफेक्ट है और फॉरेन माइक्रोजन को रोकने का कार्य करती है, यानी हमें सुरक्षा ये गार्ड प्रदान करती है। इसमें पहला है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इट प्रोड्यूस बाय स्टिमुलेटिंग इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू एडमिशन ऑफ द एंटीजन यूजली पीरियड ऑफ नेचुरल एक्सपोजर टू इन्फेक्शंस। यानी किसी एंटीजन को जैसे बॉडी में इंजेक्ट कराए जाते हैं तो वह हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होती है, तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और जो एक्टिव इम्यूनिटी में जो एजेंट्स आर नाउ इज वैक्सीन क्या होती है आपको बताइए, लाइव जो किल वैक्सीन है वो एक एंटीजन एजेंट है जो बॉडी में दिए जाते हैं इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, इज ए प्रोड्यूस टेम्परेली बाय सप्लाइंग परफॉर्म एक्सोजन एनिमल द ह्यूमन एंटीडोट सुपर्स द डिजीज गिवन सून आफ्टर द पीरियड ऑफ एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन। यानी बॉडी में किसी इन्फेक्शन के होने के बाद में जो एंटीडोट हमें दिए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो बने होते हैं उनको हम पैसिव इम्यूनिटी में लेते हैं या कहते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री के, जो इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री है ये आपका जो टाइप्स पूरा हुआ इम्यूनिटी हुआ है, इसमें मैंने आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में बताया और इम्यूनिटी डेफिनेशन बताई है। अब जो मैं लूँगा वो है इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री के, जो इम्यूनाइजेशन है हमारे देश में कब कौन से सन में चालू हुआ और उसको चालू करने के लिए कौन कौन सी जो एजेंसी है उनका सहयोग रहा और उन एजेंसी द्वारा इसको कब कब कौन से सन में लागू किया गया। हिस्ट्री WHO ने प्रोग्राम स्टार्ट किया ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो 1974 में स्टार्ट किया गया, इसका दूसरा नाम था EPI। EPI यानी एक्सपेंडेड ऑफ एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन। यानी ग्लोबल WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया ग्लोबल इम्यूनाइजेशन 1974 में, उसका दूसरा नाम था EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन। और जो इंडिया में ये जो लॉन्च हुआ EPI
इंडिया में इसको चेंज किया गया, इसका नाम दिया गया, इसको लॉन्च किया ईपीआई को, ईपीआई लॉन्च 1978 में, यानी इंडिया में जो इस प्रोग्राम को 1978 में लॉन्च किया गया। और कब लॉन्च किया गया? जनवरी में। तो हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन में पहला मैंने बताया कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया 1974 में, जिसका दूसरा नाम था EPI, यानी एक्सपेंडेंट प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिसको इंडिया में लॉन्च किया गया दोबारा EPI 1978 में जनवरी में। और फिर दूसरी एजेंसी आई, इसका नाम था यूनिसेफ। जिसने इस प्रोग्राम को चेंज करके इसका नाम रखा UPI। सॉरी, इसका नाम यूनिसेफ ने यूनिवर्सल चाइल्ड प्रोग्राम इसको नाम दिया। फिर इंडिया में इसको नाम चेंज किया गया UPI, यूनिवर्सल प्रोग्राम इंडिया, जो कि इंडिया में लॉन्च किया गया 1984 नवंबर में। तो ये होगी हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन में, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स टू द कम्युनिटी। जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो प्लान्ड किए गए अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी के हिसाब से। इट शुड बी रिलेवेंटेड एग्जिस्टिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स। इट मस्ट बी एक्टिवली पॉसिबल एक्सेप्टेबल बाय द कम्युनिटी। एवरी कंट्री नीड्स ओन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हुज लॉन्च ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1974। सेकेंड एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन, जिसका जो मेन पर्पज था प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन एंड वर्ल्ड अगेंस्ट 6 किलर डिजीज। नेक्स्ट इन इंडिया में लॉन्च 178 जनवरी। एंड इंडिया इट इज अ कोड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP एंड वॉज लॉन्च 1985 नवंबर फॉर द यूनिवर्सल कवरेज इम्यूनाइजेशन टू द एलिबल पॉपुलेशन टू ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। जो GAVI, यानी GAVI क्या था, एक NGO थी, GAVI ग्लोबल अलाउंस वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, यानी इनका मकसद था वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन को काफ़ी इंक्रीज ग्लोबल इम्यूनाइजेशन कवरेज को इंक्रीज करना है, जो कि एक बाहरी कंपनी थी जिसका मकसद था कि पूरे देश में, पूरे संसार में, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसको जो इंक्रीज वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन को इंक्रीज करना होता है, यानी इंक्रीज करना था। द ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन GAVI इज वर्ल्ड वाइड कोलिएशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन 1999 में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी टू रिड्यूस डिसपार्टीज इन लाइफ सेविंग वैक्सीन एसेस एंड इंक्रीज ग्लोबल इम्यूनाइजेशन कवरेज। तो ये आपका हो गया इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। तो टूडेज टॉपिक इम्यूनाइजेशन डेफिनेशन, वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन डेफिनेशन, इम्यूनिटी डेफिनेशन एंड टाइप्स, एंड इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। थैंक यू एवरीवन।